2019 के चुनाव से पहले बीजेपी अपनी सियासत को चलाने के लिए राम मंदिर पर जोर तो पूरा लगा रही है, लेकिन लगता है कि इस बार उसकी नैया पार नहीं लगने वाली, क्योंकि राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद को झटका दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी के राम जन्मभूमि स्थान पर पूजा करने वाली याचिका पर कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मामला बीजेपी के लिए वो मुद्दा है जिसे वो हर बार चुनाव में उठाती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा। पार्टी के नेता हर बार राम राग अलापना शुरू कर देते हैं। 2014 में भी पार्टी ने राम के नाम के सहारे अपनी नैया पार लगाई थी और अब वो 2019 में भी यही राग अलाप कर कमल खिलाने का ख्वाब देख रही है। तभी तो यहाँ सीएम योगी जल्द से जल्द मंदिर बनवाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तो राम जन्मभूमि पर पूजा की मांग को लेकर सीधा उच्चतम न्यायालय ही पहुंच गए। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अयोध्या के विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा करने के अपने मौलिक अधिकारों की मांग की, लेकिन कोर्ट ने स्वामी को झटका देते हुए याचिका पर त्वरित सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आप बाद में मामले का विशेष उल्लेख करें। आपको बता दें कि इससे पहले मई में स्वामी ने इसी तरह की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उस समय न्यायालय ने उन्हें जुलाई में इस मामले को उसके सामने रखने को कहा था। उसी सलाह के तहत बीजेपी नेता शीर्ष अदालत के समक्ष पहुंचे थे, लेकिन आज भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।